23 मई से बदले जाएंगे 2000 के नोट। क्या नोट बदलने के लिए बैंक में भरने होंगे फॉर्म? क्या है आरबीआई की गाइडलाइन? जब से 2000 के नोट को चलन से बाहर किया गया है, आम जन में इसकी चर्चा तेज है। आरबीआई ने 19 मई को अपने इस फैसले का ऐलान किया था, जिसमें उसने इन नोटों को बदलने के लिए तारीख भी बताई थी, जिसके मुताबिक 23 मई से 2000 के नोट को बदलना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इसके बदलने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2023 रखी है। लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में एक बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही है कि 2000 के नोट को बदलने के लिए बैंकों में फॉर्म भरना पड़ेगा। लेकिन सच क्या है, इसके बारे में आरबीआई ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही एसबीआई ने भी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दी है, क्योंकि एसबीआई ने इसको लेकर एक बेहद जरूरी जानकारी साझा की है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा जरूर देखें, ताकि भटकने से बच जाएंगे। एसबीआई ने इसको लेकर बाकायदा एक फॉर्म भी साझा किया है, जिसके मुताबिक 2000 के नोट बदलने के लिए बैंकों में किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही एसबीआई का लेटर है जिसमें ये बताया गया है कि 2000 के नोट बदलने के लिए किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरना होगा। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि कोई भी एक आदमी एक दिन में 20,000 रुपए यानी 10 नोट से ज्यादा नहीं बदल सकेगा। इतना ही नहीं, इस नोटिफिकेशन में यह भी साफ तौर से बता दिया गया है कि नोट बदलने के लिए किसी भी तरह के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक 2000 के नोट बदलने की लिमिट और फॉर्म नहीं भरे जाने की जानकारी के साथ एक और सुविधा दी गई है। गौरतलब है कि देश में अभी भी कई लोगों के पास बैंक खाता नहीं है। ऐसे में आरबीआई ने इस तरफ भी ध्यान रखा है, यानी कि जिनके पास भी बैंक में अकाउंट नहीं है, वो किसी भी बैंक में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी भी बैंक के खाता धारक हैं, तो संबंधित बैंक में जाकर अपने खाते में नोट को जमा करवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो आप बाखूबी समझ चुके होंगे, साथ ही आपका भ्रम भी दूर हो चुका होगा। वहीं आपके इस सवाल का जवाब भी मिल चुका होगा कि 2000 के नोट बदले जाने के वक्त किसी भी तरह के फॉर्म भरने की जरूरत है या नहीं। उम्मीद है अब आप भटकने से बच जाएंगे। तो फिर 23 मई का इंतजार कीजिए और आराम से अपने पास रखे हुए 2000 के नोट को बैंक में जाकर बदल लीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।